अब आज के ट्रेड से ना शुरू करते हैं, क्विक सिंगल्स की तैयारी करते हैं। एक बार फिर से हमारे पैनल को गुड मॉर्निंग। गाबा सर बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग, मेरा क्विक सिंगल है इंडस टावर, इसमें ब्रेकआउट है, ट्रेड कर रहा है 345, स्टॉप होगा 341, 4 रुपए का टारगेट 355, इंडस टावर। इंडस टावर, मानस आपने क्या पिक किया? देखिए नौकरी पे मेरा ध्यान है, क्योंकि अगर आप नौकरी के पैटर्न देखेंगे तो कंसोलिडेशन के बाद हमें आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला और उस ब्रेकआउट से काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक अभी भी यहाँ पर काफी जगह है, तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 6100 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन टारगेट बड़े हैं, 6440 तक के टारगेट पॉसिबल है नौकरी में। ओके, इन्फो एज में मानस अमूमन ये बाय कॉल देते हुए यही बोलते हैं, मेरी नौकरी पर नज़र है 6271 पर, इससे बाय। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? वीरेन जी, नजर मेरी केमिकल स्टॉक्स पे है। अगर आप दो तीन स्टॉक्स की बात करूं मैं, तो लुक एट दीपक नाइट्रेट, लुक एट एसआरएफ एंड लुक एट टाटा स्टील। मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ बिग मूव। तो अगर मुझे एक चुनना है देन डेफिनेटली इट विल बी आज के लिए, तो मैं यही कहूंगा कि दीपक नाइट्रेट। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो 2450, 2470 ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, तो हम दीपक नाइट्रेट बाय करेंगे। स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका टारगेट बनता है कम से कम 2550 का, 2550 ये इसका टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 2430 का। ओके, दीपक नाइट्राइट यहाँ पे 2469 पे आपका बाय है। केमिकल बास्केट से अगर आप देखें, कुछ काउंटर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। प्रशांत जी आपका ट्रेड? जी वीरू जी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में कल का जो वॉल्यूम था वो बहुत ही स्ट्रांग था और 20 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिली थी। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बाय किया जा सकता है, स्टॉप लॉस रखेंगे 655, 655 टारगेट होगा 685 से लेके 690, 690, 685 का। ओके, अमित जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी अनुजी, अनुजी मेरा ट्रेड इस समय इंडियन होटल्स रहेगा। इंडियन होटल में एक डीप पुल बैक हुआ था जिसने जाके अपने 100 डेमा पे रेस्ट लिया। चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक चैनल का ब्रेकआउट है, स्टॉक ने इस पुल बैक के बाद आज के सत्र में अपना 10 डेमा रिगेन कर लिया है, तो स्टॉक अप ट्रेंड में है। 572 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 565 का और टारगेट्स रहेंगे 585 के। ओके, चलिए एक बार निफ्टी लेकर आइए। अब निफ्टी है करीब करीब 42 पॉइंट नीचे और इवन बैंक निफ्टी भी करीब करीब 47,820 पर। निफ्टी का आज का हाई, एक बार वापस वो निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। निफ्टी का आज का हाई था करीब करीब 22,431, 22,431 आज का हाई था। और ये एक देखिए वीरू, एक ट्रेड जो प्ले हुई आज सुबह की जो स्ट्रैटेजी थी उसमें सेल जोन था 22,425 से 22,475, कि ये इसमें एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड लीजिए, ये आपको एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड देगी, क्योंकि एक स्टॉप लॉस था 22,525 का यहाँ पर और 22,425 से 22,475 में सेल था। ये मुझे लग रहा है कि एक ट्रेड आपकी अब अच्छी खासी ग्रिप में होगी और अब आप इसको चाहे तो हाफ बुक करें या कैरी करें। एक बार के लिए ये शायद हो सकता है इवन 22,300 भी टेस्ट करें निफ्टी पर, ये पॉसिबल है जहाँ पर आपका 20 डेमा प्लेस्ड है, क्योंकि जो 20 डेमा है ना उसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस होती है, काफ़ी वैल्यू होती है उसकी। एक बार वो अगर वो प्ले कर सकें वो उतना पार्ट जो स्ट्रैटेजी का हमने मेंशन किया था, थोड़ा सा रिविजिट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों के लिए जो सेल वाला जोन था, हाँ सेल वाला जो जोन था वो उसको ये एक जोन था, आज ये जोन दिया मार्केट ने आपको, स्टॉप लॉस ने हिट किया और आप उस लेवल पर आ गया जहाँ पर आप ठीक ठाक पैसा बना रहे होंगे। बिल्कुल जय, चलिए तो ये गया इंडेक्स के लेवल्स को रिविजिट करते हुए हम थोड़ा सा यहाँ पे अब एक काम करते हैं। ट्रेड्स तो पूरे हो गए थे सारे मेरे ख्याल से, यहाँ पे मेरे ख्याल से सनी जी का एक व्यू लेते हैं यहाँ पर। सनी जी आप कुछ पिक करेंगे इस ओपनिंग के साथ और आज के स्ट्रॉन्ग मूवर्स पे क्रॉम्पटन, नौकरी, M&M, डिक्सन, अपोलो, LIC हाउसिंग फाइनेंस, मोर और लेस इन सभी काउंटर्स की अर्निंग्स आ जाई या फिर एक दिन पहले, आपका व्यू इनमें से कुछ कोई पिक करेंगे आप? वीरेंद्र जी, अगर इसके अलावा एक स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि जिस तरह से कैपिटल मार्केट में रिवाइवल हुआ है, मुझे लगता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द वन स्टॉक जो कि कैपिटल मार्केट की स्टोरी है वो रडार पर हो सकती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। आई थिंक जो एक रेगुलेटरी जो एक इम्पैक्ट आया था, मुझे लगता है कि उसका पूरा प्रोविजन कंपनी ने एक्सचेंज ने 170 करोड़ का फोर्थ क्वार्टर में कर दिया है, और FY25 में फिर हम देखेंगे कि FNO का जो मार्केट शेयर है BSE का, शायद इसमें फिर से एक बढ़ोतरी आते हुए दिखेगी।
और इसी के चलते जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो उसका जो ट्रेंड है FY25 में वो जारी रहेगा। तो आई थिंक इसका जो फेयर वैल्यू है 3400 का फेयर वैल्यू है अगर 12 से 18 महीने का व्यू लेते हैं तो BSE एक पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए।